वेलकम टू माय चैनल कबूतर लाइव टू में आपका स्वागत है। आपके खिदमत में मेराज भाई। आज हम कबूतरों की एज के बारे में बताएंगे कि कबूतर कितने सालों तक जिंदा रहता है और उसकी एज क्या होती है, यही आज हम आप सब लोगों को बताएंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं, जिससे कि जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देख लीजिए, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। हाय व्यूअर्स, जिस जगह पे बैठे हुए हैं अभी हम उसका जो है आप लोगों को बताएंगे हम लोग किस जगह पे हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि कबूतर की एज कितनी होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर 3 या 4 या 5 साल तक ही जीता है, लेकिन कुछ कबूतरों के खिलाई के यानी जो जिनको ज़्यादा बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है उन कबूतरों की जो है ज़्यादा उम्र हो जाती है, जैसे 25 साल, 15 साल, 20 साल। भाई मेरे पास जो कबूतर था तो वो मेरे पास कबूतर 20 साल का था, और बाकी हमारे पास वो जो 20 साल का था वो तो ख़त्म हो गया, आपकी ठंडियों में ख़त्म हो गया है, और जो मेरे पास लगभग 15 से 16 साल का है वो मेरे पास अभी बचा हुआ है, और 11 से 12 साल वाला वो भी मेरे पास बचा हुआ है। तो वो हम आप लोगों को कबूतर भी दिखाएंगे कि मेरे पास कबूतर कैसा है, और उस कबूतर को देखकर कोई नहीं बता सकता है कि इसकी एज इतनी है। और वो कबूतर गर्मियों में जो है सुबह से उड़ता था तो शाम को उतरता था, और ठंडियों में उतर नहीं पाता था, वो 2 दिन उड़ता था तब उतरता था। तो इसलिए मैंने उसको जो है पर काट के रखा, 3 साल हो गए हैं उसको पर काटे हुए, वो ऊपर कटा ही पड़ा हुआ है, और वो मेरी नस्ल अपनी बनाई हुई थी। तो हम उस कबूतर को अभी दिखाएंगे, और इससे पहले जहाँ हम वीडियो बना रहे हैं वो जगह मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसी पुल पास हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये देख लीजिए, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ टिने का पुल है, और ये देख लीजिए नीचे जो है ये पुल वो बना हुआ है, ये देख लीजिए दूर से, और मैं आप लोगों को कायदे से दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये टिने का पुल है, और इसके ऊपर एक नहर भी गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और पूरा हम दिखा देंगे कि जो है पुल कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। और अभी इसके ऊपर भी हम जाएंगे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखो हमारा मेराज गधा भाई है, हाथ में आना। ये देख लीजिए ऊपर चढ़ रहे हैं, ये देखिए बंदरों की तरह चढ़ता है, बंदरों की तरह बोलता है, बंदरों वाली हरकतें होता है। पता नहीं कहाँ से आ गया। एक बार हम ये देख लीजिए, हम ऊपर आ गए हैं और हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देख लीजिए पुल बना हुआ है, और टेने का पुल है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए नहर है, नहर इस पुल के ऊपर है। अच्छा आना से एक बात बता मन, ये देख लीजिए यहाँ खान भी हो बस ये हो तो है जो तहिल लेते हैं वही बची है यार। चलिए बड़ा, ये देख लीजिए नीचे से जा पड़ी है दादा। हाँ अभी उस पुल से उधर से चढ़ के इधर आए हैं, अब फिर इधर से उधर के उधर जाएंगे। ये देख लीजिए, अब यहाँ से हमको उतरना है, फिर पुल के उस पार जाना है। ये देख लीजिए वहाँ से आगे, वहाँ से देखो चढ़े थे वो, उधर से चढ़े हुए थे, वहाँ से घूमकर यहाँ आए हुए, अब यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे से होते हुए अब उधर पुल तरफ निकलेंगे जाके।
ये देख लीजिए यहाँ पे जाने की रास्ता है, देख लीजिए, ये देख लीजिए पानी जो है ऊपर से टपक रहा है, जो नहर है उसका पानी इधर टपक रहा है, देखो वहाँ से ये पानी भरा हुआ है, देखो यहाँ पे पानी टपक रहा है। और ये देख लीजिए हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं, अब ये यहाँ, अब यहाँ से हम चढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, अबे ये देख लीजिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। पानी कहाँ मिलती है, ये देख लीजिए यहाँ के निवासी हैं और ये यहाँ इनका आसपास गांव है, तो यहाँ खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे लिखा, ये देख लीजिए ये हमारा 15 साल का कबूतर हो चुका है और इसकी आंखें देखिए, 15 साल का कबूतर हो चुका है, कोई बता नहीं पाएगा ये कि 15 साल का कबूतर है, और ये सिर्फ अकेला ही बचा हुआ है और दो बाज है, सफ़ेद पूंछ का है और इसके पर जो है ये दो बाज हैं, ये अकेला बचा हुआ है, सिर्फ ये अकेला ही नस्ल बचा हुआ है, बाकी सब ख़त्म हो चुके हैं, 15 साल का है कबूतर जो हमने आपको बताया था, ये देख लीजिए। और ये गर्मियों में सुबह से शाम तक उड़ता है और ठंडियों में ये उतर नहीं पाता है, ठंडियों में दो बार उड़ता है तब उतर पाता है, ये देख लीजिए, गर्मियों में सारा दिन उड़ता है, इसीलिए हमने इसको जो है 3 साल से पर काटे रखे हुए हैं, ये आखिरी नस्ल बची हुई है, बाकी सब ख़त्म हो चुके हैं। और आपको हम 10 साल वाला दिखाएंगे कबूतर जो मेरे पास है, ये देख लीजिए ये भी जर्सी कबूतर है, ये हमारे पास 10 साल का है, ये भी हमारे घर का पट्टा है, ये देख लीजिए, लेकिन इससे कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला इसलिए हमने इसकी नस्ल नहीं बढ़ाई है, ये 4 से 5 घंटे उड़ता है बस, इससे ज़्यादा नहीं उड़ पाता है, इसकी एक पट्टी निकाली थी वो भी 4 से 5 घंटे उड़ती है बस, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 4 से 5 घंटा उड़ता है बस, इसीलिए हमने इसकी नस्ल नहीं बढ़ाई है, इसकी नस्ल बढ़ाते लेकिन इसकी कोई मादा नहीं मिल पाई और जो लगाए तो बिल्ली खा गई या उड़ के निकल गई, इसीलिए इसकी भी नस्ल नहीं बन पाई है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ये हमारे पास एक फुलसरा है, ये भी पुराना कबूतर है, ये देख लीजिए इसके पट्टे निकाले थे तो उड़ान में निकल गए, ये देख लीजिए इसके पट्टे बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, उड़ रहे थे, फिर इसकी मादा भी चली गई है और इसके पट्टे भी निकल गए हैं, और अब हम सिर्फ ये नस्ल बना रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए ये नस्ल बना रहे हैं, यही रखते हैं बाकी सब हटा देंगे, ये नस्ल के हम बना रहे हैं कबूतर, बाकी सबको हटा देंगे सिर्फ यही नस्ल रखेंगे।